मेरा दायित्व तो बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा नु चौमासु सत्र चाली रह्यु छे। अयोध्या मां 12 वर्षनी बाळकी पर बलात्कारना केसमां सपा नेता जे वात करी ए वातमां सीएम योगी आदित्यनाथे कड़क वलण दाखलवानुं कह्युं। विधानसभामां बोलता तेमणे समाजवादी पार्टी पर आकरा प्रहारो कर्या। विधानसभामां भाषणमां योगी आदित्यनाथे कह्युं के जे लोको राज्यना उद्योगपतिओ अने दीकरीओनी सुरक्षा साथे समाधान न करवानुं काम करे छे तेओ राज्यमां अराजकता उभी करी रह्या छे। सामान्य लोकोनुं जीवन दयनीय बनतुं जाय छे। मारी जवाबदारी छे के हुं अहीं नौकरी करवा नथी आव्यो, हुं जे करी रह्यो छुं मारी जवाबदारी छे, अने हुं अहीं नौकरी करवा नथी आव्यो एटले मारे मारी जवाबदारी पूरी करवानी छे। અને સાથે તેમણે કહ્યું કે આ બધું અહીંયા ચલાવી લેવામાં નહીં આવે। આ લડાઈ સામાન્ય લડાઈ નથી, પ્રતિષ્ઠા માટેની લડાઈ નથી। જો મારે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી હોત તો હું આશ્રમમાં જ રહી ગયો હોત અને ત્યાં જ પ્રાપ્ત કરી લે। તો સીએમ યોગી આદિત્યનાથે જે દમદાર ભાષણ આપ્યું છે વિધાનસભામાં તે સાંભળો। જો પ્રદેશ કે વ્યાપારી ઓર બેટી કે સુરક્ષા મે સેલ લગાને કા કામ કરતે હૈ, જો પ્રદેશ કે અંદર અરાજકતા પેદા કરકે સામાન્ય લોકો કા જીના હરામ કરતે હૈ, मेरा दायित्व तो बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त तो करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं? इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पर इस बात के लिए आया हूं अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त तो करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं? इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं।